चलिए स्टार्ट करते हैं आज ब्रेटन साइकिल। बेसिकली गैस पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए हम ब्रेटन साइकिल का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाई गैस पावर प्लांट में कौन कौन से बेसिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। सबसे पहले तो यही अपन सीख लेते हैं कि भाई गैस पावर प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले जो अगर गैस पावर प्लांट की बात करें तो गैस पावर प्लांट में सबसे पहला जो होगा वो होगा कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर लगा हुआ होता है। कंप्रेसर का काम बेसिकली क्या है, गैस को कंप्रेस करना। 1 to 2 लेट सपोज ये कंप्रेशन। आफ्टर कंप्रेसर देयर इज़ अ कंबस्टन चैम्बर। यहाँ पर कंबस्टन चैम्बर होता है। कंबस्टन चैम्बर 2 to 3 यहाँ हीट सप्लाई होगी, मतलब जो गैस कंप्रेस होके आई यहाँ पर फ्यूल बर्न होगा और हीट सप्लाई होगी। और कंबस्टन चैम्बर में आफ्टर द कंबस्टन हॉटेड एयर या हॉटेड गैस जो है एग्ज़िट होगी, ठीक है। 3 to 4 यहाँ पर आपका टरबाइन लगा हुआ होता है, जिसे अपन एक्सपेंडर बोलते हैं, ठीक है। टरबाइन लगा हुआ 3 to 4 यहाँ पे हमें वर्क मिलेगा। कंप्रेसर पे हमें वर्क करना होगा, उसको हम अलग से भी कर सकते हैं या तो फिर हम कभी कभी क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो जो पार्ट कुछ पार्ट जो टरबाइन का वर्क डन होता है वो हम इसको दे देते हैं, ठीक है, है ना। इसको एक शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और 4 to 1 आपका यहाँ पर 4 to 1 आपका कंडेंसर लगा हुआ होता है जहाँ से हीट रिजेक्ट होती है। तो बेसिकली दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द गैस पावर प्लांट, ठीक है। 1 to 2 जो आपका कंप्रेशन होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। 1 to 2 ये जो कंप्रेशन हो रहा है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, ठीक है। 2 to 3 आपका जो हीट सप्लाई होगी वो कांस्टेंट प्रेशर में होगी। कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, ठीक। 3 to 4 आपका एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंड 4 to 1 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा। तो हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन बाय ऑन द कंप्रेसर एंड वर्क डन बाय द टरबाइन, बोथ आर आइसेंट्रोपिक। यही चार प्रोसेसेस मिलकर आपका ब्रेटन साइकिल बनाती है। ब्रेटन साइकिल में आपका दो डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, PV एंड TS डायग्राम, ठीक है। PV एंड TS कर्व देखिए कैसे बनेगा। PV एंड TS डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले PV कर्व, 1 to 2 की अगर बात करें, दैट इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आपको करना है 1 to 2। देखिए PV कर्व में जो आइसेंट्रोपिक लाइन होती है वो कर्व होती है, प्रेशर बढ़ रहा है 1 to 2, ठीक है, और वॉल्यूम घटेगी ड्यूरिंग द कंप्रेशन। फिर 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर आपका हीट सप्लाई। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर कांस्टेंट होगा 2 to 3। एंड 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। और 4 to 1 आपका 4 to 1 आइसेंट्रोपिक 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन 4 to 1, ठीक है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो ये प्रोसेस, ये आपका डायग्राम होगा आपका PV कर्व। अगर आपको TS डायग्राम बनाना है इसका, तो TS डायग्राम इज़ वेरी इजी। आप देखिए यहाँ पर 1 to 2 आइसेंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो दिस इज बेसिकली अ TS कर्व, ठीक। तो ये था ब्रेटन साइकिल। आगे हम बढ़ेंगे ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी एंड ऑल, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।